क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, प्रैक्टिस सेट वन का क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्रा एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल एंड राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल, वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस लाई। उर्दू में तो देखिए, एक मुनफरजतुज़ाविया मुसल्लस और एक कायमतुज़ाविया मुसल्लस बनाइए और दोनों मुसल्लसों के जावियों के नासिफों के नुक्ते तराकुस खींचिए, बताइए हर मुसल्लस का नुक्ते तराकुस कहाँ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो हमें ट्राइंगल बनाना है। पहला ट्राइंगल है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ये पहले हम बना लेंगे, बाद में राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो आपको मालूम है ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं अबव 90 एंगल, जो अबव 90 होता है उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो हम एक पहले आर्म खींचेंगे, इसका नाम मैं दे देता हूँ बी सी, और बी पर जो एंगल लेना है हमें जो है 90 से अबव लेने का है। तो कोई भी हम 90 से अबव ले सकते हैं, 90 से ज़्यादा लेने का है, जैसा भी 90 नियर अबाउट 90 ऐसा हो रहा है तो इससे थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। ये मैंने बनाया, यहाँ पर पॉइंट दे देता हूँ ए और ए से सी को ज्वाइन कर देता हूँ, ए से सी को ज्वाइन कर दिया। तो जो एंगल हुआ, ये जो ट्राइंगल तैयार हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हमें हर एक का क्या करना है, पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस निकालना है ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। इसमें अंदर तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों के बाइसेक्टर बनाने का है और तीनों के बाइसेक्टर जहाँ जो है इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ए का जो है एंगल ए का बाइसेक्टर बनाएंगे। एंगल ए का बाइसेक्टर बनाने के लिए मैं ए पर रखूँगा इसको और दो आर्क खींचूँगा, उसको वहाँ से हटा देने का है, अब इस पोजीशन पर रखने का है और इसको यहाँ पर रख के एक अंदर में आर्क, फिर इस साइड वाले आर्क को रख के उसी को क्रॉस। देखिए ये दोनों जहाँ मिले हैं, ये पॉइंट को हमें ए से ज्वाइन करना है, पॉइंट ए है और ये जो पॉइंट आया है अपना, इसको ए से ज्वाइन कर देने का है। इस तरह ये हमारा बन गया। अब हम एंगल बी का बाइसेक्टर बनाएंगे। एंगल बी का बाइसेक्टर बनाने के लिए हम बी पर रखेंगे और जो है एक आर खींचेंगे साइड बी, आर्म बी सी पर, और इसी तरह इधर भी इसको करेंगे। तो ध्यान दीजिए कौन सा आर्क कहाँ पर है, ये आपको ध्यान देने का है। जो अब ये इस साइड पर रखकर बाहर की तरफ जो है थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, बाहर की तरफ एक आर्क खींचेंगे। अभी देखो इसका यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये आर्क है, ये आर्क के ऊपर रखेंगे हम और उसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब ये जो है यह एंगल बी है, अब ये पॉइंट को बी से ज्वाइन करने का, ठीक है। ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए, हम यहाँ एरो का निशान भी दे सकते हैं। अब एक एंगल सी रह गया, एंगल सी का हमें बाइसेक्टर बनाना है। एंगल सी को बाइसेक्टर बनाने के लिए नीडल जो है सी पर रखेंगे और इस तरह का जो है उसी पे आ रहे हो, देखिए। अब यहाँ पर रखकर अंदर की तरफ
एक आर्क अपने खींचना पड़ेगा। अब उसके ऊपर रख के उसी को क्रॉस करेंगे। फिर से देखिए एक बार, तो डबल कर रहा हूँ। देखो ये जो आर्क, ये जो इंटरसेक्ट यहाँ मिला है हमें, इससे सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो है इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखो इसको बाहर भी गए तो कुछ बात नहीं। हाँ इसमें देखिए अब खास बात क्या है, एंगल ए का सेक्ट जो बाइसेक्टर है ये है, इसका हम नाम दे दिए ए एम। बी का जो बाइसेक्टर है इसको हम नाम दे दिए बी एन। और एंगल सी का जो बाइसेक्टर है इसको हम नाम दे दिए सी आई, है ना। तो दोनों तीनों बाइसेक्टर एक पॉइंट पे आपको मिले हुए दिखाई देंगे, देखो, है ना। हाँ ये पॉइंट, तो हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्राइंगल। तो हमने ये कॉन्फ्रेंस निकाले, है ना। वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस लाई, हाँ इसका जो किधर है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस, किधर है, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है कि आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो ये इंटीरियर, इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर में है, है ना। ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस हो गया हमारा। इस तरह ये ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल का हमने बाइसेक्टर बनाए, तीनों बाइसेक्टर जो एक जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुए हैं, इसलिए इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस। जिस पॉइंट पे तीन या दो से ज़्यादा लाइन जो है पास होती है, ऐसे पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ओके ओके, तो जो सी का बाइसेक्टर है, सी के बाइसेक्टर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, सी एस नाम दे देता हूँ, है ना, सी एस नाम। जो आई है हम आई जो है इसको दे देंगे। हाँ ये तीनों पॉइंट, तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट हुए है उस पॉइंट को हम नाम देंगे आई, है ना। पॉइंट ऑफ कॉन्फ्रेंस जो है आई से डिनोट करेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम जो है राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए पहले एक हम एक आर्म खींचेंगे, और दूसरा जो आर्म रहेगा 90 का एंगल रहेगा, इसलिए मैं प्रोटेक्टर को यूज़ करूँगा। प्रोटेक्टर को यूज़ करके 90 का एंगल बनाऊँगा मैं। ये देखिए ये जो ये हम नाम दे सकते हैं, पहले यहाँ बी दे दिए, यहाँ पर सी पॉइंट दे दिए। अब देखिए यहाँ पर 90 का, ये तो 90 है, ओके 90 हो गया। ये पॉइंट मिलने के बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। प्रॉपर भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर पॉइंट दे दिए ए, और ए को सी से ज्वाइन कर दिए। अब एंगल ए का हम क्या बनाएंगे, बाइसेक्टर, एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है। अब यहां रख के भाई अंदर की तरफ इस साइड पर रख के उसको क्रॉस करूंगा। ये जो पॉइंट मिला है
को पॉइंट को नाम दे दें हम एम, ए से एम को ज्वाइन कर देंगे। ओके अब एंगल बी का बाइसेक्टर बनाएंगे। एंगल बी का बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें वही काम करना है। देखिए अब यहाँ जो पॉइंट है इस पर रख कर एक आर्क बनाएंगे। अब ऊपर वाले आर्क पे रख के उसको क्रॉस करें, देखो ये पॉइंट मिला है, इसका नाम एन दे देंगे और बी से एन को ज्वाइन करें। अब एंगल सी का बाइसेक्टर बनाने का है। एंगल सी का बाइसेक्टर बना रहा हूँ मैं, सी पर रखा दो आर्क एक इस तरफ और थोड़ा बड़ा करके इस साइड में हम इसका आर्क बना लेंगे ताकि वो हमें दिखे किधर है वो। देखो ये दोनों मिले यहाँ पर इस पॉइंट पे मिले है ना, तो सी से इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा। ये जो पॉइंट दोनों मिले ना इस पॉइंट पे है, इसको फिर से देख लीजिए ये पॉइंट है, इसको तो ज्वाइन करने का। हाँ देखिए एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर ए एम, इसी तरह एंगल बी का बाइसेक्टर है बी एन, ये बी एन। एंगल सी का बाइसेक्टर है हम लिखेंगे, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे एस ले लेंगे सी एस। अब तीनों बाइसेक्टर जो है एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे है ना, इस पॉइंट का नाम देखेंगे हम आए। और तीनों बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर में इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल है। क्वेश्चन था वेयर डू द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस लाई, तो हमारा आंसर आ गया द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस lie in the interior of the triangle।